अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस अकेडमी। दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह से अपने फोन टैग का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें चेंज करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि लिस्ट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले तो एक नई फाइल बना लेता हूँ और इसका मैं नाम लिखूँगा tut9.html और सबसे पहले ऊपर मैं लिखूँगा html। HTML के अंदर मैंने लिखना है हेड। हेड के अंदर हमारा आता होता है टाइटल और टाइटल में देने लगूँ HTML लिस्ट, सही है। और हेड के बाद हमारी क्या होती है, बिल्कुल बॉडी। बॉडी में हम अपना सारा काम करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HTML लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? देखें, आपने देखा होगा नंबरिंग होती है, हम लिखते हैं वन, फिर कोई चीज नेम आ गया मुजम्मिल, फिर हम लिखते हैं टू, फिर आ गया बिलाल, फिर हम लिखते हैं थ्री, फिर हम लिखते हैं दोबारा फॉर एग्जाम्पल मुनीर लिख देते हैं, सही है। एक इस तरह एक आपने देखा होगा जो डॉट के साथ आता है, वो नंबरिंग जो वन टू होती है इसको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और वो नंबरिंग जिसमें वन टू की जगह हमारी दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बुलेट्स इस्तेमाल होती हैं, उसे कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल बुलेट आ गई आपकी, आपने लिखा बॉल, फिर बुलेट डाल के आपने लिखा गिलास, फिर आपने बुलेट डाल के लिखा बैट। तो ये वो चीज़ें हैं जो अनऑर्डर्ड है, मतलब इनका ऑर्डर होना लाजमी नहीं है, इनका ऑर्डर होना लाजमी है। तो ये दो तरह की लिस्ट होती हैं, इनको हम कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी, इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। तो इसको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है। अब क्वेश्चन ये है, ये प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं? देखें, एक तरीका तो ये है कि आप लिखेंगे पैराग्राफ के में लिखेंगे वन, या मैं लिखूँगा वन के अंदर आर, सही है। फिर मैं नीचे लिख दूँ टू के अंदर बाइक, फिर मैं दोबारा नीचे लिख दूँ थ्री के अंदर, एक अंदर क्या लिखें, एक अंदर लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल कार, बाइक, ट्रक, सही है। एक तरीका तो ये, आप इस तरह लिखेंगे और आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी, तीनों चीज़ें हमारी आउटपुट में आ गई हैं। लेकिन ये तरीका इसमें लिखने का है नहीं, ये आप लिस्ट नहीं बना रहे, ये आप पैराग्राफ्स बना रहे हैं, सही है। HTML के अंदर लिस्ट लिखने का तरीका ये है, मैं लिखता हूँ फॉर और ऑर्डर्ड लिस्ट, सही है। मैं इस वीडियो में सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट को ही कवर करूँगा और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। आ जा भाई, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सबसे पहले आपने लिखना है यू एल ओ एल, ओ से ऑर्डर्ड, एल से लिस्ट, ओ एल लिख दिया आपने। ओ एल के अंदर आने, अब हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर आते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट के आने के बाद आपने हर एलिमेंट के लिए लिखना है एल आई। एल आई से मुराद लिस्ट आइटम। देखिए, हमारे पास लिस्ट होती है, ये नंबरिंग होती है, इसको हम लिस्ट कहते हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हमारे पास पहचान होती है लिस्ट की। लिस्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हमारे पास लिस्ट है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के, ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो पहला लिस्ट आइटम है आपने वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, नीचे वाला जो एग्जाम्पल हम लिखे वो लिखते हैं कार, लिख दी मैंने। दोबारा आप आपने नेक्स्ट के लिए दोबारा एल आई लिखना है, उसके लिए आपने लिख देना है बाइक। दोबारा आपने आना है उसके लिए दोबारा आपने क्या लिख देना है, आप लिखेंगे ट्रक। ये करने के बाद आप अपने वेब पेज में जाएंगे ना, तो ये देखें आपको तीनों चीज़ें नज़र आ रही। अच्छा, इससे पहले जो आपने पैराग्राफ की फॉर्म में किया था, देखें पैराग्राफ एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, आपने लिखी ये होगी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फ़र्क है? इसमें क्या आई है, आप देखें ऑर्डर लिस्ट में आपके पास क्या आ रही है, वन टू थ्री आ रही है। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँ कंट्रोल सी, मैं बिल्कुल कुछ चेंज नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैंने पेस्ट किया है, ऑर्डर की जगह मैंने लिख दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट बस, और मैंने यहाँ ओ की जगह क्या कर दिया, यू कर दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट का। अब आप देखें, आपको एक दफ़ा ये वन टू थ्री में नज़र आ रहे हैं, एक दफ़ा कार, बाइक और ट्रक आपको बुलेट्स में नज़र आ रहे हैं, फ़र्क क्या है?
फर्क ये है जब हमने इस्तेमाल किया ना ओएल ऑर्डर लिस्ट, तो इसने इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रख दिया है, 1, 2, 3 से स्टार्ट किया, जितनी लिस्ट होगी उतना ऑर्डर दे दे। लेकिन जब हमने बात की है ना अनऑर्डर की, तो उसने अनऑर्डर रख के बुलेट कर दिए, बुलेट आई है ये यूएल की वजह से, 1, 2 आई है ओएल की वजह से। अंदर ये लिस्ट आइटम हम कैसे ही आते हैं, जितने मर्जी आप डाल लें, आप इसको बेशक 10-20 दफा इस पर एप्लीकेट कर लें, आप बेशक 10-20 दफा या इस पर एप्लीकेट कर लें, वो आप पर, आप काउंटिंग उसी हिसाब से मिलेगी। देखें 10 दफा आ गए ये हमारे पास बुलेट्स में आ गए। वो ये तरीका होता है दो तरह की लिस्ट एचटीएमएल में लिखने का, सही है। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सही है, या आप लिख रहे हैं, मैं अगर सारे को यहाँ से कमेंट करूँ, आपने पैराग्राफ लिखा है, आपने सबसे पहले दी हेडिंग 1, तो उसका नाम लिखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सही है। उसके बाद आपने लिखा एक पैराग्राफ, उसका नाम लिखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर गिवन बिलो, सही है। उसके बाद अब आपने लिखने क्या लिस्ट, लिस्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखने के लिए सबसे पहले तो आप आएंगे, आप लिखने अब पार्ट्स ऑफ लिस्ट आप लिखेंगे अनऑर्डर्ड में, तो ये ऑर्डर्ड में लिख दें, अनऑर्डर्ड में लिख दें, हम इसको अनऑर्डर्ड रखते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप आए, आपने लिखा लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर आपने क्या क्या होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, इसके अलावा क्या होता है, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के अलावा आप भी बताएं क्या होता है, यस मॉनिटर भी होता है, मॉनिटर के अलावा आपको नजर आएगा जी स्पीकर्स, स्पीकर्स के अलावा आपको नजर आएगी जॉयस्टिक, सही है। इस तरह अब आपने जो देखा है ना, इसको आप जाके जब देखना चाहेंगे ना पेज के ऊपर, तो आपको ये यहाँ पे ऐसे नजर आएगा। मैंने इसको कमेंट नहीं किया था, मैं इसको दोबारा कमेंट कर देता हूँ, सही है। अच्छा यहाँ पे कह रहे जी आपका ये एरर आ गया, भी खत्म कर दें, ये एरर आपका रिमूव कर, सही है। अब आप जाके देखें आपको ये नज़र आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बुलेट्स के। अब नीचे आप लिखने हैं फॉर एग्जांपल इसी को आप एक्सटेंड कर रहे हैं कंट्रोल सी करके, आपने लिखा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जगह एप्स कंप्यूटर ले दें, आप लिखेंगे डिफरेंट एप्स ऑफ कंप्यूटर आर गिवन बी लो, सही है। और बाकी सारे कर दें, अब बताए कौन कौन सी ऐप होती है, सबसे पहले तुम्हारे पास होती है ऐप फॉर एग्जांपल क्रोम, है हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट, फिर हमारे पास आ जाता है एमएस वर्ड, फिर हमारे पास आ जाता है एमएस एक्सेल, फिर हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल पावरपॉइंट। अब ये जाके आप देख लें आप कैसे नज़र आएंगे, इनको अगर आप बुलेट में लेके जाना चाहते हैं यानी 1, 2 में और ले दें। अच्छा आपने को नोटिस किया होगा मैं यहाँ चेंज करता हूँ सिर्फ, यहाँ नहीं करता, क्योंकि जब मैं यहाँ चेंज करता हूँ नीचे वाला ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपने यहाँ फोकस रखना, मैंने इसे काटा वो काट गया, मैंने वो लगाया वो आ गया, सही है। इस वजह से आपको लगता होगा कि वैसे पेज का चेंज। तो इस तरह हम अपने पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, देखें बुलेट्स में आ गया और ये हमारे पास 1, 2 के अंदर आ गया। तो ये वो तरीकाकार है जिन तरीकाकार को फॉलो करते हुए हम अपनी लिस्ट को एचटीएमएल के अंदर डालते हैं, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अवर डोज जनता मैं होता नहीं हूँ, लिस्ट को अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको मज़ीद हो जाए किस तरह इन चीज़ों को इस्तेमाल करते होते हैं, आपकी प्रैक्टिस और आपकी स्किल्स इंप्रूव हो। अगर अभी तक आपने हमारी प्ले लिस्ट एक्सेस नहीं की तो HTML की प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि आप हमारे नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा सी लैंग्वेज की प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लें, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको नॉलेज मिलेगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।